देशभर में पहले फेज की सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। देशभर में 102 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग है, जिसमें बिहार की भी 4 सीटें शामिल हैं। और ये 4 सीटें हैं जमुई, गया और औरंगाबाद और नवादा। और बुधवार की शाम इन चारों सीटों पर भी प्रचार का शोर थम चुका है। बुधवार की शाम देश भर की 102 सीटों पर प्रचार का शोर थम गया और इसी के साथ शुरू हो गया 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग का काउंटडाउन। 19 अप्रैल को पहले फेज में देश भर की 102 सीटों पर वोटिंग है, इसमें बिहार की 4 सीटें शामिल हैं। बिहार में पहले फेज की जिन 4 सीटों पर वोटिंग है, उनमें जमुई, गया, औरंगाबाद और नवादा सीट है। इन 4 सीट पर कुल 38 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन ज्यादातर सीटों पर लड़ाई सीधी एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच ही है। जमुई सुरक्षित सीट से इस बार चिराग पासवान ने अपने बहनोई अरुण भारती को मैदान में उतारा है। उनका सीधा मुकाबला आरजेडी की अर्चना रविदास से है। जमुई में ही रैली कर पीएम मोदी ने बिहार में चुनावी अभियान की शुरुआत की थी। पहले फेज में औरंगाबाद में भी वोटिंग है। बीजेपी से लगातार 3 बार के सांसद रहे सुशील कुमार सिंह का मुकाबला आरजेडी के अभय कुशवाहा से है। राजपूतों का गढ़ मानी जाने वाली सीट पर आरजेडी ने इस बार कुशवाहा जाति के अभय कुशवाहा को मैदान में उतारकर एक चुनावी एक्सपेरिमेंट किया है। हालांकि अब तक हुए चुनाव में औरंगाबाद से राजपूत उम्मीदवारों को ही जीत मिलती रही है, चाहे वो जिस भी पार्टी से। वहीं गया की यदि बात करें तो गया से पूर्व सीएम और हम प्रमुख जीतन राम मांझी चौथी बार भाग्य आजमा रहे हैं। जीतन राम मांझी का मुकाबला आरजेडी के कुमार सर्वजीत से है। 1991 में सर्वजीत के पिता के हाथों जीतन राम मांझी चुनाव हार चुके हैं, लेकिन इस बार दोनों तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। बिहार में पहले फेज की 4 सीट पर सबसे दिलचस्प लड़ाई नवादा सीट को लेकर है। नवादा में बीजेपी से पूर्व मंत्री सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर चुनाव मैदान में हैं, तो आरजेडी ने श्रवण कुशवाहा को टिकट देकर एक चुनावी प्रयोग करने की कोशिश की है, लेकिन श्रवण कुशवाहा को टिकट मिलने के बाद आरजेडी में बगावत देखने को मिली। राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव ने निर्दलीय मैदान में उतरकर नवादा की चुनावी जंग को बहुत ही दिलचस्प बना दिया है। वैसे गायक गुंजन सिंह भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला विवेक ठाकुर, श्रवण कुशवाहा और विनोद यादव के बीच माना जा रहा है। तो प्रचार का शोर थम चुका है और अब सबको इंतजार है वोटिंग का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। जम्मू में 2 दिन पहले तेजस्वी यादव की सभा के दौरान भीड़ की तरफ से चिराग पासवान की मां को लेकर गंदी गंदी गालियां देने का एक वीडियो सामने आया है।